संबित पात्रा, जो स्थिति इस समय है उसको देखकर तो आपको बड़ी खुशी हो रही होगी, लेकिन जो सुबह थी उसकी जवाबदेही है कोई? क्या ये चीजें पहले से तैयार करके प्लान करके नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल सही बोल रहे हैं यार। अभी मैं बड़े ध्यान से श्वेता जी को सुन रहा था और श्वेता जी ने बिल्कुल सही कहा, वहाँ के अधिकारियों ने भी सही कहा है कि अगर अनप्लान्ड तरीके से रातों रात आप ला के माइग्रेंट वर्कर्स को और मज़दूरों को बॉर्डर पे छोड़ देंगे और इत्तला भी नहीं करेंगे, इन्फॉर्म भी नहीं करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, तैयारी का समय भी नहीं देंगे, तो क्या किया जाएगा? मगर फिर भी एक 4-5 घंटे के अंदर जिस प्रकार की व्यवस्था रामलीला मैदान गाज़ियाबाद में दोनों जगहों पर की गई है, ये अपने आप में बहुत बड़ा मैनेजमेंट स्किल है। मैं धन्यवाद देता हूँ वहाँ के मैनेज जो DM हैं, SP हैं, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कि 5 घंटे के अंदर एक अनमैनेज्ड क्राउड को, जिस प्रकार से दिल्ली के कई ट्रेन यहाँ रुके थे, दिल्ली के ट्रेनों से वहाँ छोड़ दिया गया था बॉर्डर में, उस सबको बहुत सकुशल तरीके से मैनेज किया गया है। और आपको जानकर रोहित जी खुशी भी होगी कि 778 ट्रेन्स आज तक पूरे इस लॉकडाउन के फेज में सर्वाधिक ट्रेन्स उत्तर प्रदेश के लिए ही गई हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को लेके गई है। और परसों भी मैं आपके इस डिबेट में था, मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार 15 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश, और उसका हिसाब भी मैंने दिया था, 15 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश अपने स्टेट में एंट्री दे चुकी है। औरैया को लेकर भी शनिवार के दिन हमने डिबेट किया था, उसमें भी आप देखिए आज जब सच्चाई सामने आई है वो दिल को दहला देने वाला है। किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, कुछ लोग योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर और प्रशासन के ऊपर उंगली उठा रहे थे, आज सच्चाई मालूम पड़ा है कि औरैया के जो मजदूर थे वो बस में बैठ के आ रहे थे और किस प्रकार इन मजदूरों को जबरन ट्रकों में लोड किया भरतपुर अर्थात राजस्थान की पुलिस ने, और उसके बाद माल ढोने वाले ट्रक, वो भी मालगाड़ी वाले ट्रक पे लोड करके उनको जबरन उत्तर प्रदेश भेजा गया। एक ट्रक जो था वो राजस्थान का, दूसरा ट्रक जिससे टक्कर हुआ वो पंजाब का था। दोनों ही राज्यों से हमारी ये इल्तिजा है कि इस प्रकार लोगों को ना भेजा करें, और जो पार्टी के यहाँ प्रवक्ता भी बैठे हैं उनसे भी हम कहना चाहेंगे आप राजनीति ना करें, क्योंकि सच्चाई तो सामने आ ही जाती है और अज्ञा की सच्चाई भी आज सामने आ ही गई है। डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर हैं जी, जितने लोगों को बीमारी होगी उनको पास ऑन करनी होगी तो सुबह आधे घंटे में ही कर दी होगी उन्होंने, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो हमारे आपके लिए केवल यहाँ जो आदमी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगा रहा है, 1800-1700 किलोमीटर पैदल चलने को तैयार है, वो इस भीड़ में आपको लगता है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा? पहली चीज। और दूसरा, आपको भरतपुर में राजस्थान की पुलिस का दिख गया कि इन्होंने ट्रक में लोड करा दिया जनता को उतार के बसों से, ये नहीं दिखा यूपी की पुलिस ने लाशों के साथ घायलों को भी लाद दिया ट्रक में और कहा कि जाओ इनको फेंकाओ? देखिए, पहली बात तो आपने जो ये सवाल पूछा कि सोशल डिस्टेंसिंग वाला, मैं बिल्कुल मानता हूँ सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए था, मगर देखिए आप भी मानते होंगे जब हमारे मजदूर बंधु बहुत परिश्रम के साथ पहुँचे हैं बॉर्डर पे या उनको छोड़ा गया है बॉर्डर पे, वहाँ पर देखिए लाठी चार्ज करना, उनके ऊपर और अत्याचार करना ये बिल्कुल उचित नहीं होगा। वहाँ मैं अनाउंसमेंट सुन रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग के अनाउंसमेंट हो रहे थे मगर फिर भी हमारे बंधु, मजदूर बंधु वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे थे। मैं मानता हूँ पालन करना चाहिए, अनाउंसमेंट इत्यादि हो रहा है, मगर मैं ये भी मानता हूँ कि उस पर बहुत ज़्यादा लाठी चार्ज, टीयर शेलिंग इत्यादि ये अवॉइडेबल है, नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है, जहाँ तक आपने घायलों और मृतकों के बारे में बात कहा, मैं इसमें बिल्कुल मानता हूँ कि सेंसिटिविटी होनी चाहिए, घायलों को और मृतकों को अलग अलग करके भेजना चाहिए, और इसमें हम मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहूँगा, चाहे कोई भी सरकार हो, सेंसिटिव रहना चाहिए। सर, सेंसिटिव रहना चाहिए ये तो सब कहते हैं, पर सेंसिटिव रहता तो कोई नहीं ना। अखिलेश प्रताप सिंह का कनेक्शन कट गया है, बताया गया उनके आंधी आ गई है, अभी वापस जुड़ते हैं वो, लेकिन उसके पहले राजीव राय, सेंसिटिविटी होनी चाहिए ये बात तो हम 3 महीने से सुन रहे हैं, लेकिन है कितनी उसका नजारा भी सड़क पे लगातार देख रहे हैं। रोहित जी, मैं बड़ी इज्जत के साथ संबित पात्रा साहब का ध्यान आकर्षित करूंगा और आपको भी बोलूंगा कि मेरे ट्विटर टाइमलाइन पर देख लीजिएगा, आज सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं। मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ और जिम्मेदारी के साथ दे रहा हूँ क्योंकि सबूत है। मैं बेंगलोर में फंसा हुआ हूँ, यहाँ जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो पूरे बेंगलोर में जितने पेंटिंग वाले वर्कर हैं सब गोरखपुर के हैं, यूपी में गोरखपुर के हैं, यहाँ लोग गोरखपुर के फंस गए। मैं अपनी क्षमता के हिसाब से मदद करने लगा लेकिन पुलिस बाहर नहीं जाने दे रही थी। मैं बार बार एड्रेस, फोन नंबर, कंटेक्ट, फोटो के साथ माननीय मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों को ट्वीट करने लगा, फोन पर बात करने की कोशिश किया, 3 दिन लगातार किया, नहीं आया। फिर मैंने निवेदन किया कि यहाँ की सरकार जो कर्नाटक की सरकार है वो भाजपा की सरकार है, गैर कर्नाटक के लोगों को राशन नहीं दे रही है, वो भूखों मर रहे हैं गोरखपुर के, आप एक कर्नाटक के CM से बात कर लीजिए। लेकिन जब पत्रकार हो या विपक्ष के नेता हो उसकी सलाह को अहंकार में आप विरोध मानने लगे तो आप सेंसिटिविटी की बात करना टीवी चैनलों पर आकर बेमानी होती है।
आप बोल रहे हैं, अभी संबित पात्रा साहब को मैं सुन रहा था कि ले जाकर उनको बॉर्डर पर डंप कर दिया गया। दो बातें मैं कहना चाहूंगा, ले जाकर अगर बॉर्डर पर डंप कर दिया गया, संबित पात्रा साहब कल चैनलों में एक बहुत अच्छा वीडियो, बहुत दर्दनाक वीडियो चला था जिसमें एक महिला का पति मर गया था, बच्चे लाश के साथ थे बिहार, और रात भर पैदल चलकर आए थे, उसको किसने डंप कर दिया था? दिल्ली में आपकी सरकार है, केंद्र की सरकार है, पुलिस आपकी है, रातों रात लोग उड़ के चले गए, आपको भनक नहीं लगी? चलो वो भी मान लिया। जो लखनऊ बॉर्डर पर आपने परसों रखवाया हजारों के भीड़ को, लखनऊ भी आप आसमान से टपक गए, पैराशूट से उतर गए, वहां वो भीड़ कैसे पहुंच गई? आप जब मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, सच्चाई ये है संबित पात्रा जी, एक लाइन में रोहित भाई, कि ये सरकार दूसरी बार आई है, आज तक ये लोग शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के मुद्दे पर इमोशन को भड़का कर सत्ता में आए हैं, ये पहली बार ऐसी क्राइसिस आई। मैं क्राइसिस मानता हूँ, वो सबकी जिम्मेदारी है, खाली सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, लोगों की जिम्मेदारी है, विपक्षी पार्टियों की जिम्मेदारी है। पहली बार एक ऐसी क्राइसिस आई है जिसमें सरकार को अपनी काबिलियत दिखानी चाहिए, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ, एकदम नालायक और नाकाबिल साबित हुए हैं पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक। उस संस्कृति का संबित पात्रा साहब आप मेरे टाइमलाइन पर है, जो आपके मुख्यमंत्री जवाब दे देते हैं, गोरखपुर के लोग भूखे मर रहे हैं और आज भी मर रहे हैं। एड्रेस देता हूँ, फोन नंबर देता हूँ, बात कर लीजिए, करिए, कहाँ गई संस्कृति? कैसे हैं, कैसे संस्कृति बोलते हैं? लखनऊ में भीड़ कैसे पहुंच गई? दिल्ली की बात है तो लखनऊ में भीड़ कैसे पहुंच गई?